गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल आई एम प्रेम कौर पटले टुडे आई एम अलोंग विद द सेकंड पार्ट ऑफ रिबेल्स एंड द राज डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी अबाउट द लीडर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ 1857 हंड्रेड रिवोल्ट बच्चों आज हम अठारह के उन लीडर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो अलग अलग जगहों पर अपनी लीडरशिप किया था उनके फॉलोअर्स को जानेंगे एंड आफ्टर दैट विल सी अबाउट द रीमर्स विच वॉज स्प्रेड ड्यूरिंग द टाइम एंड प्रोफेसिस किस तरह की भविष्यवाणियाँ और अफवाहें उस समय फैली हुई थी उसके बारे में हम जानकारी आज हासिल करेंगे डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लीडर्स एंड फॉलोअर्स टू फाइट द ब्रिटिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वॉज वर रिक्वायर्ड अंग्रेजों से अगर हम फाइट करना चाहते थे या अंग्रेजों से लोहा लेना चाह के लिए उस समय नेतृत्व और संगठन लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही जरूरी थे एंड फॉर दिस द रिबेल समटाइम्स टर्न टू दोज हैड बीन लीडर्स बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट तो इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो पहले अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते रहे थे ठीक हमने कल के सेशन में देखा था कि किस तरह से मेरठ के सिपाही सबसे पहले जो काम किए उनमें एक था कि वो फ़ौरन कहाँ चले गए थे दिल्ली दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरखास्त की थी है ना लेकिन इस निवेदन पर हमने देख चुके थे वन ऑफ़ द फर्स्ट एक्ट दैट सिपॉय ऑफ मेरठ एज शाह वॉज द रश टू दहली एंड अपील टू द ओल्ड मुगल एम्प्रर टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द र दिस एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप टूक इट्स टाइम इन कमिंग बच्चों आ, उन्होंने जो निवेदन किया था वो निवेदन करने के बाद भी बादशाह ने सहमति देने में काफ़ी टाइम लगा दिया या कह ये कहा जाए कि जो आ, सिपाही थे उन्हें सहमति देने में समय लग गया था बहादुर शाह फर्स्ट रिएक्शन वाज वन ऑफ हॉरर एंड रिजेक्शन बहादुर शाह इस खबर से बड़े भयभीत और बेचैन से दिखाई दे रहे थे क्यों क्योंकि उन्हें ब्रिटिश हुकूमत की ताकत का अंदाजा था एंड इट वॉज ओनली वैन हैड इन टू द मुगल कोर्ट विद इन द रेड फोर्ट इन डिफेंस ऑफ नॉर्मल कोर्ट एटिक्वेट बच्चों बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी स्वीकार की लेकिन वो कब जब कुछ सिपाही जो थे शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए ठीक जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे थे दैट द ओल्ड एम्प्रर रियलाइजिंग ही हैड वेरी फ्यू ऑप्शन सब उनको समझ में आने लगा बहादुर शाहफर को कि उनके पास बहुत ही कम ऑप्शंस बचे हैं एंड ही एग्रीड टू बी द नामिनल लीडर ऑफ द रिबेलियन और बहादुर शाह ने के पास कोई चारा नहीं था तो फिर उन्होंने अपने आप को एक नॉमिनल लीडर के तौर पर अपनी सहमति दे दी कि अठारह सौ सत्तावन के बैल में वे एक नॉमिनल लीडरशिप को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं अगर हम बात करें दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों की तो वहाँ पर भी छोटे पैमाने पर ही सही पर ऐसे कई दृश्य घट चुके थे बेटा इन कानपुर द सिपॉय एंड द पीपल ऑफ़ द टाउन गिव नाना साहिब द सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव राव सेकेंड नो चॉइस सेव टू ज्वाइन द रिवोल्ट एज देयर लीडर बच्चों जो कानपुर में सिपाही थे कानपुर में सिपाहियों ने और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे नाना साहब उनके सामने इस बगावत की डोर को थामने का संभालने के के लिए पेशकश की और नाना साहब पेशवा के सामने में भी कोई विकल्प अब नहीं छोड़ा था उन्हें भी अपनी लीडरशिप को एक्सेप्ट करना पड़ा इन झांसी झांसी की हम बात करें आप सभी जानते हैं कि झांसी की रानी जो थी महा है ना उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई उन्होंने झांसी की बागडोर को संभाला था इन द झांसी द रानी वाज फोर्स बाय पॉपुलर प्रेशर अराउंड हर टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द अपराइजिंग बच्चों इसी तरह झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा था अब ऐसी कुछ स्थिति जो थी बिहार के आरा में थी बिहार के आरा में कुंवर सिंह ठीक है कुंवर सिंह का लोकल जमींदार इन आरा इन बिहार तो ये जो जमींदार थे आरा के कुंवर सिंह उन्होंने यहाँ की बागडोर संभाल रखी थी विद्रोह की इन अवध द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलर नवाब वाजिद अली शाह एंड द एनेक्सेशन ऑफ द स्टेट विल वेरी फ्रेश इन द मेमोरी ऑफ पीपल बच्चों जो एनेक्सेशन की प्रोसेस हुई थी उसमें सबसे लास्ट में एनेक्सड होने वाला जो साम राज्य था वो था अवध और यहाँ के राजा को उसकी गद्दी से यहाँ के शासक नवाब वाजिद अली साहब को यहाँ के शासक को गद्दी से हटा दिया गया था और ये सभी चीज़ें अभी लोगों की ये जो यादें थी लोगों के अभी भी जहन में बसी हुई थी अभी ताज़ा थी लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर इन लखनऊ सेलिब्रेटेड द फॉल ऑफ ब्रिटिश रूल बाय हैलिंग बिजरिस कद्र यंग सन ऑफ नवाब एज देयर लीडर जब पता चला लखनऊ में कि ब्रिटिश राज ढह रहा है तो लोगों में बड़ी खुशी होने लगी और उन्होंने क्या काम किया कि लखनऊ के जो नवाब थे उनके जो सबसे युवा बेटे थे ब्रजिश कद्र उसको उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया तो आपने देखा कानपुर में नाना साहब झांसी में रा, रानी लक्ष्मीबाई बिहार आरा में कुंवर विजय सिंह कुंवर सिंह और हम अब आगे बढ़ें जब लखनऊ की ओर तो देखें कि ब्रजरिस कद्र जो थे ये यहाँ के लीडर हो चुके थे नॉट एवरीवेयर वर द लीडर्स पीपल ऑफ़ द कोर्ट रानीज राज नवाब एंड तालुकदार सभी जगहों पर नेता दरबार से जुड़े व्यक्ति राजा रानी नवाब तालुकदार नहीं थे बल्कि सामान्य लोग आम पुरुष और महिलाएं भी इस विद्रोह से जुड़ी हुई थी और कुछ स्थानों पर तो धार्मिक लोगों के जरिए भी ये विद्रोह जो था वो फैलाया जा रहा था ऑफन द मैसेज ऑफ रिबेलियन वॉज कैरिट ये जो विद्रोह का जो समाचार है वो आम आदमी और महिलाओं के द्वारा भी फैलाया जा रहा था कुछ जगहों पर मैंने जैसे आपको बताया कि रिलीजियस पीपल के थ्रू भी फैलाया गया From मेरठ there were reports that a fakir had appeared riding on an elephant. मेरठ में तो इससे संबंधित ऐसी खबरें आने लगी कि वहाँ हाथी पर एक सवार हाथी पर सवार एक फ़कीर को देखा गया है जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे ठीक और लखनऊ में अवध के पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नाबूद करने का अलग जगा रहे थे ठीक है मेरठ देर वर रिपोर्ट्स दैट अ फकीर हैड अपियर्ड राइडिंग ऑन एन एलिफेंट एंड दैट दिपॉय वर विजिटिंग हिम फ्रिक्वेंटली ये बतला रहा है कि किस तरह से बदलानी की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से लीडरशिप जो थी वो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग करने वाले लोगों के द्वारा भी की जा रही थी लखनऊ में जैसे हमें बतला रहा है कि रिलीजियस लीडर्स सेल्फ स्टाइल प्रोफेट्स हु प्रिज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल वो ब्रिटिशर्स के इस साम्राज्य को खत्म करने करने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं एल्स लोकल लीडर्स इमर्ज अर्जिंग पीजेंट्स जमींदार्स एंड ट्राइबल्स टू रिवोल्ट यहाँ तक कि कई जगहों पर कई स्थानों पर किसानों जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे शाहमल शाहमल मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना बड़ौत इन उत्तर प्रदेश बच्चों शाहमल उत्तर प्रदेश में शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना में के गांव वालों को संगठित किया किसके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ठीक वहीं देखिए गोनू अ ट्राइबल कल्टीवेटर ऑफ सिंह भूमि इन छोटा नागपुर बी कैम अ रिबल लीडर रिबल लीडर ऑफ़ द कोल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन जो छोटा नागपुर में एक सिंह भूमि नाम की एक जगह है जहाँ पर एक आदिवासी का था किसान था गोनू उसने अपने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था तो हमने देखा कि, कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा लीडरशिप को कंडक्ट किया गया था और उनके फॉलोअर्स कौन थे उनके फॉलोअर्स उनके फार्मर्स ज़मींदार ट्राइबल ग्रुप है ना मतलब हर प्रकार का एक आम व्यक्ति भी इस विद्रोह में शामिल हो चुका था आपने बड़े बड़े नाम जो है नाना साहेब रानी लक्ष्मीबाई बाई सिंह बिरजिस कद्र इन सब के नाम जाना इसके अलावा आपने शाहमल और गोनू इनके बारे में भी जानकारी हासिल की तो आपने देखा कि किस तरह से लीडर्स और उनके फॉलोअर्स वर्क कर रहे थे बच्चों अब हम बात करें र्यूमर्स एंड प्रोफेसर्स की ये इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लीडर्स एंड फॉलोअर्स में आपको आपके पेज नंबर 239 में बच्चों मौलवी अहमदुल्ला शाह और शाह मलिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप स्वयं उसका अध्ययन करेंगे स्वयं आप उसकी रीडिंग करके समझने की कोशिश करेंगे अब हम र्यूमर्स और प्रोफेसिस की बात करें अफवाहें और भविष्यवाणियाँ ये 1857 का जो रिवोल्ट था उसके पीछे क्या र्यूमर्स थे क्या अफवाहें फैलाई गई और जिसके कारण ये विद्रोह हुआ या इस तरह से किस तरह की भविष्यवाणी या कंडक्ट की गई थी जिसके थ्रू लोगों को लगा कि अब ये ब्रिटिश एम्पायर जो है वो जल्द ही खत्म होने वाला है चलो हम इसको शुरू करते हैं र्यूमर्स एंड प्रोफेस प्लेड अ पार्ट ऑफ इन मूविंग पीपल टू एक्शन तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था ठीक है जैसा कि हमने देखा कि मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को किस के बारे किस चीज़ के बारे में बतलाया था द सिपाए हु हैड अराइड इन दहली फ्रॉम मेरठ हैड टोल्ड बहादुर शाह अबाउट बुलेट्स कोटेड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स एंड दैट बाइटिंग दोज बुलेट्स उटकोरप देयर कास्ट एंड रिलीजन बच्चों मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को यह बताया कि उन उन कारतूसों के बारे में बताया कि जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था और उन्होंने उनका कहना था कि इन कारतूसों को अगर वो मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब यानि धर्म दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे देवर रिफरिंग टू दी कार्ट्रिज ऑफ द एनफील्ड राइफल्स विच हैड जस्ट बिन गिवन टू देम सिपाहियों का इशारा वो एनफील्ड राइफल की तरफ था बच्चों जो उसमें यूज़ होने वाली कारतूसों की तरफ था जो उन्हें हाल ही में दिए गए थे है ना द ब्रिटिश ट्राई टू एक्सप्लेन टू द सीपॉयज दैट दिस वॉज नॉट द केस बट द र्यूमर दैट द न्यू कार्टिज वर ग्रिस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अक्रॉस द सीपॉय लाइन ऑफ नॉर्थ इंडिया अंग्रेज़ों ने सिपाहियों को लाख समझाने की कोशिश किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है किसी भी प्रकार की चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन ये जो र्यूमर था एक वाइल्ड फायर की तरह एक जंगल में जंगल की आग की तरह पूरे नॉर्थ इंडिया में ठीक है पूरे उत्तर भारत में ये फैल चुकी थी और इन्होंने इस रि र्यू, इसे र्यूमर ही बतलाया था ब्रिटिशर्स ने उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी प्रकार की कार्टेज में चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया गया है बट दिस इज हमने अभी जाना है ना कि ये एक र्यूमर की बात किया गया लेकिन ये र्यूमर फैला कहाँ से दिस इज वन र्यूमर हुज ओरिजिन कैन बी ट्रस्ड या अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है कैप्टन राइट कमांडेंट ऑफ द राइफल इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट रिपोर्टेड दैट इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी एटीन देखिए बच्चों कमांडेंट थे कैप्टन राइट जो राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट थे उन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या लिखा रिपोर्ट इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 1857, अ लो कास्ट खलासी हु वर्क इन द मैगजीन मैगजीन इन दुम दुम हैड आज अ ब्राह्मण सिपाही फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हिज लोटा बच्चों वे अपनी रिपोर्ट में कैप्टन कैप, कैप्टन राइट अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि दमदम -दम, एक जहाँ शस्त्रागार में काम करने वाला एक निची जाति का खलासी है उसने जनवरी अठारह के तीसरे सप्ताह में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पीने के लिए पानी पिलाने के लिए कहा ठीक है द सिपोए हैड रिफ्यूज़ तो सिपाही ने उसको मना कर दिया एंड सेंग दैट लोअर कास्ट टच वुड बी डिफाइल दी लोटा वो कहता है कि अगर नीची जाति का व्यक्ति इस लोटे को छू देगा तो ये लोटा अपवित्र हो जाएगा तब द खलासी हैड रिपोर्टेडली रिटॉर्डेड यू विल सोन हाँ लॉस योर कस्ट और अर लॉन्ग यू विल हैव टू बाइट कार्ट्रिज कवर्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पीग्स बच्चों फिर रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि खलासी ने जवाब दिया कि वैसे ही जल्दी तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है जब उस ब्राह्मण सिपाही ने उसको पानी पिलाने से मना कर दिया तो खलासी ने इस तरह का उन्हें उसे रिप्लाई किया और क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों को मुँह से खींचना पड़ेगा इस तरह तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी ऐसा खलासी ने उस ब्राह्मण सिपाही से कहा वी डोंट नो वी डोंट नो दैरसिटी ऑफ द रिपोर्ट हम नहीं जानते कि ये जो अफवाह फैलाई गई उसमें कितनी सच्चाई है उस रिपोर्ट में क्या स... आ... सच्चाई है बट वंस दिस र्यूमर स्टार्टेड नो अमाउंट ऑफ एसोरेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिसर्स कुड स्टॉप एज सर्कुलेशन एंड द फियर इट स्प्रेड अमंग द सिपाही. लेकिन एक बात है कि जब ये अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आउस, आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका और इसने सिपाहियों के बीच एक गहरे गुस्से को पैदा कर दिया था दिस वॉज नॉट द ओनली र्यूमर दैट वॉज सर्कुलेटिंग इन नॉर्थ इंडिया एट द बिगनिंग ऑफ एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन देर वॉज द र्यूमर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज हैज द गेंगटिक कॉन्स्परेसी टू डिस्ट्राए द कास्ट एंड रिलीजन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम बच्चों अठारह सौ सतावन की शुरुआत तक उत्तर भारत में एक अफवाह नहीं यही एक अफवाह नहीं थी कि काट्रिज में जो है वो सुअर और गाय की चर्बी लगा करके सिपाहियों को दिया जाएगा बल्कि इसके अलावा यह भी अफवाह जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए भयानक साजिश रच रहे हैं ठीक है टू दिस एंड द र्यूमर सैड द ब्रिटिश हैड मिक्स द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इन टू द फ्लोर ये भी अफवाह थी कि बाज़ार में जो बिकने वाला आटा है उसमें काऊ और pig यानी सुअर और गाय की हड्डियों का जो चूर्ण है वो आटे में मिला दिया गया है इन टाउन एंड द कंटोनमेंट सिपो एंड द कॉमन पीपल रिफ्यूज टू टच द आटा तो ये जब अफवाह फैलने लगी तो शहरों में और जो छावनी में रहने वाले सिपाही थे यहाँ तक कि आम लोग भी उन लोगों ने आटे को छूने से भी मना कर दिया एंड देयर वॉज फियर एंड सस्पीशियन दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियन द क्रिश्चियनिटी और ये भी चारों तरफ इस चीज़ का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज जो है हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं चारों तरफ जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया बेचैनी फैलने लगी ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्राई टू अलाय देर फियर्स, बट इन वैन बच्चों ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भर प्रयास किया लेकिन वे नाकामयाब रहे दिस फीयस स्टैट मेन टू एक्शन इन्हीं बेचैनियों ने लोगों के मन में अगला कदम उठाने के लिए उन्हें झिझोड़ दिया एंड द रिस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ द फॉर एक्शन वॉज री इन्फोर्स बाय द प्रोफेसी दैट ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन देंटनरी ऑफ द बैटल ऑफ पेलासी ऑन ट्वेंटी थर्ड जून एटीन फिफ्टी सेवन बच्चों प्लासी का जो बैटल हुआ था 1757 सेवनटीन फिफ्टी सेवन में हुआ था जून में तो लोगों में एक प्रकार की प्रोफेस यानी भविष्यवाणियाँ भी फैल रही थी कि ब्रिटिशर्स का जो साम्राज्य है ठीक है वो प्लासी की जंग के सौ साल होते ही यानी तेईस जून अठारह को अंग्रेजी राज जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा इस तरह की अफवाहें भी फैली हुई थी र्यूमर्स वर नॉट द ऑनली थिंग सर्कुलेटिंग द एट द टाइम रिपोर्ट्स केम फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया दट चपातीज वर बींग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी ये जो उत्तर भारत के जो विभिन्न भागों से ऐसी खबरें आ रही थी कि गाँव गाँव में चपातियाँ बट बट रही हैं बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर के गाँव के चौकीदार को एक चपाती दे जाता था तथा उसे कहता था कि पांच और चपातियाँ बनाकर अगले गांव में पहुंचा देना ऐसा वो निर्देश दे कर के जाता था और यूं ही सिलसिला जो है वो चलता रहा चपातियाँ बांटने का मतलब और मकसद न उस समय स्पष्ट था और न हमारे पास आज है तो आज भी हम उस मैसेज को क्या मैसेज था उसको हम स्पष्ट तौर पर नहीं जानते हैं लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे ये आज हमने र्यूमर्स और प्रोफेसिस जो थी उसके बारे में जानकारी हासिल की बच्चों इसके अलावा आज आपने लीडर्स और उनके फॉलोअर्स जो थे उनके बारे में जानकारी हासिल की तो आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच